डीएसके टीवी दा धार्मिक उपराला सारी ही गुरसंगत प्यार सहित दास गुरचरण सिंह शायली दे जत्थे दी हाजरी प्रवान करो। गुरु साहब दे चरणा नाल मनोबिरतियां नूं जोड़ के उचारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां संगरूर तो बरनाले नूं जाने आ, इतिहासक पिंड है पहला बुढ़रुखा, बुढ़रुखां दे रहण वाले बहुत धार्मिक ते नेक इंसान सरदार गाजपत सिंह जी सरदार होए। सरदार गाजपत सिंह दे घरें एक कन्या पैदा हो गई। साढ़े समाज का एक बहुत भैड़ा रवाज सी, जे किसी दे घर कन्या पैदा हो जाती, एक माई होंदी पिंड च, उहनूं कहिंदे होंदे सी दानी माई। वह दानी ना, उहनूं बदमाश कहीए तां ठीक है, सुणिओ कम किहो जिहा करदी सी। जे किसी दे लड़की पैदा होंदी तां उह माई उहदे घरें जांदी, एक गुड़ दी रोड़ी लैंदी, एक फंबा लैंदी, वह लड़की दे मूँह च पा के सजाई, बच्ची जन्मी दे मूँह च पा के ना गुड़ दी रोड़ी एक फड़ाउण दी फंबा, फिर उहदा एक खड़ जंतर घड़िया हुंदा, वह बोलदी हुंदी, वह कहिंदी आ फड़ गुड़ खाई पूणी कत्ती, आप ना ही तू वीर नूं कत्ती। इहो ही जिहड़ी अणहोणी घटना सी, सरदार गाजपत सिंह सरदार दे घरे, इन्हां दे घरे एक कन्या पैदा हो गई। जदों इन्हां दे घर एक कन्या पैदा हो गई, समें दे रवाज अनुसार, समाज दे भार अनुसार, उस कन्या नूं बाहर नौकर लिजा के दब्बिया। जदों कन्या नूं दब के वापस मुड़े, इन्हां सरदारां नूं भाग लाउण वास्ते बाबा गुद्दड़ जी गुरु छेवें पातशाह महाराज का सिख होया, बाबा भाई रूप चंद। बाबा भाई रूप चंद के खानदान विच्चों सन बाबा गुद्दड़ जी ब्रह्म ज्ञानी, वह नाम बाणी का प्रचार करया करते सन। नौकरां नूं कन्या दब के वापस आउंदिआं नूं बाबा गुद्दड़ जी के दर्शन हो गए, उन्होंने चरणी हथ लाए, उन्होंने नमस्कार की, डरावत प्रणाम की। वह कहिंदे महाराज जी सानूं बख्शो, नामदान बख्शो। बाबा गुद्दड़ जी कहिंदे मैं कल्ला नहीं, वह थोनू तां धर्मराज की अदालत बिना कितें बख्शो। जिहड़े सरदार गाजपत सिंह दे नौकर सी ना, उन्होंने चरण फट ले, बाबा जी तुसी प्रशादा छको, चलो घर चलो, गर्म ना हो। वह कहिंदा पापीओ, वह मैनू प्रशादा छका के तुसी भला लोड़ दे हो, तुसी सजाई न जन्मी कन्या नूं दब्बिया है, जाउंदी नूं शर्म तां नहीं आउंदी प्रशादे दीआं गल्लां करदे नूं। बाबा गुद्दड़ जी ने गर्म होकर दो चार बचन होर कीते, उन्होंने चरण फट ले, महाराज जी कोई तरीका दसो, असी तां जो करना ती कर लिया, तुसी माफ़ करो। बाबा गुद्दड़ जी कहिंदे तरीका है एक, तुसी देखो भला वह कन्या जाउंदी है। उही जगह फरोली तौड़ा कढ लिया, तौड़े दे विच कन्या जाउंदी, गूठा चुंगी जाती है, उहनू लिया के माता की गोद पाता। जदों माँ की गोद पाया, बाबा गुद्दड़ जी ग्रह च बैठे सन, उन्हां नूं कहण लगे लो महाराज जी कन्या जाउंदी है, माँ का दुध पीण लग गई, तुसी उहदा नाम धर दिओ। बाबा गुद्दड़ जी कहण लगे बई इहदा नाम तुसी मैथों धराउणा है, वह कहिंदे जी सत। बाबा गुद्दड़ जी कहिंदे नाम इहदा राज कौर धर दिओ, इहदे पेटों पंजाब का राजा जम्मूगा। गुरमुखो महापुरखां का बचन सी, वो लड़की पहला बालपन च रही, बाल तो बाद फिर जवान अवस्था आ गई। जदों जवान अवस्था आई, वो फिर साडे पंजाब की धरती ते जिला गुजरांवाला, अजकल पाकिस्तान च आ गया एरिया, गुजरांवाले सरदार महासिंह पट्टी नूं ब्याहती। जदों सरदार महासिंह पट्टी नूं ब्याही गई ना, वो कन्या उहदे पेटों जन्मिया पंजाब का राजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। इत्थों सिख राज दा मुढ वजूगा, प्यार नाल तक्यो। साडे पंजाब दी धरती दे उत्ते 12 मिसलां सन सिख राज दीआं, जाणी आलोवालिया मिसल सी, जस्सा सिंह रामगढ़िया भंगिया मिसल सी, शकर चक्किया मिसल सी, 12वीं मिसल सी महाराजा पटियाला बाबा आले दी। 11 मिसलां दा भाईचारा इकट्ठा करके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने फिर वह नाम मिसल नहीं रख्या,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀੜਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਲਦੇ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਦਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਮਾਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 1839 ਦਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, 1839 ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਬੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਤੇਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾ ਖੜਕ ਪੈਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਲਪੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਏਕਾ ਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਠਾ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਸਮੇਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀਊਬਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਦਾਸ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਲੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਹੋ ਅਹਿਮੰਦਰ ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਠਾਏ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੁਖ ਚੁੰਬ ਲਾਏ ਕੇ, ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਝੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਚੁਲਾਇਆ ਆਪ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਕੋ, ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਕੋ, ਸਿੰਘੋ ਸਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਮਰਦਮ ਹੱਥਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਜੋਧੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਕੋ, ਸਿੰਘੋ ਸਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਜਵਾਨੋ ਬੋਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋ, ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋ, ਸਿੰਘੋ ਸਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋ, ਸਿੰਘੋ ਸਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ, ਤੈਨੇ ਰੱਖ
राखी रखनी इन्हों की चाल दी कहिंदे एक कर रखना इन्हों दे ध्यान को जी इन्हों दे ध्यान को सिंगो साम रखना सिखी दी शान को नाले राखी बिना बचना जड़ा उताज ना हो जड़ा उताज ना फुटदा शिकार हो जे सिख राज ना कहिंदे एक रखी खालसे दी कर पान को सिंगो साम रखना सिखी दी शान को नाले हाकम ते जीत नू प्यार खालसा मेरी फतेह थोनू दरबार खालसा अभी दसीए चरण अगे देव खान को अगे देव खान को सिंगो साम रखना सिखी दी शान को महाराजा रणजीत सिंह ऐसे तकरीर करदा करदा बस जवान बंद हो गई कुछ बोल नहीं सकया बेहोश हो गया इदू मुड़के नहीं महाराजा बोल सकया आखिरी समा वह हर एक ते आना वह किसी दे बस नहीं जमना ते मरना जित ते हार हाण ते लाभ उस भगवान दे हथ है गुरमुखो महाराजे वास्ते दवाइया बूटियां बहुत लिया पर कोई जादू ना चलिया नाम जपण वाले ने अरदासां दा कीतियां पर किसे दी सुनी ना गई अंत समा जिहड़ी स्वासां दी पूंजी सी उह पूर्ण हो चुकी 27 जून 1839 शाम नूं थोड़ा जिहा दिन रहिंदे साडे पंजाब दा सूरज छुप चुकिया शेरे पंजाब अपनी जिहड़ी जीवन दी यात्रा सी ओ पूरी कर चुकिया 58 साल 7 महीने 26 दिन राज करके महाराजा गुरु साहब के चरणा जा वराजा दूसरे दिन 28 जून वाले दिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी जिथे गुरद्वारा डेरा साहब है उहदे नाल लगदी चंदन की चिखा बनाई गई जदों चंदन की चिखा बनाई गई शेरे पंजाब नू 21 तोपां ने अंतम सलामी दित्ती प्यारे 7 गोलियां ते 4 राणियां शेरे पंजाब की चिखा दे उत्ते चढ़ के नाल सती हो गया जदों महाराणी जिंद कौर शेरे पंजाब महाराजा दे 20 ब्याह सन शेरे पंजाब दे 7 पुत्र सन सारियां तो छोटी राणी सी महाराणी जिंद कौर सारियां तो छोटे पुत्र दा नाम सी सरदार दलीप सिंह जदों महाराणी जिंद कौर सती होण वास्ते छाल मारन लगी उहनूं राणी पहाड़न ने छाती दे नाल ला लिया की आख्या जिंदा जिंदा दूजिया राणियां अगले परलोक दा सुहाग कायम कर गईआं सती हो के पर जिंदा तैनू तेरे पुत्र दे वास्ते जिउंदी रहना पवेगा अजे तेरा बेटा बहुत मासूम बालक है उहनूं सामणा नहीं रुल जाएगा ते तों बिना राणी पहाड़न ने 2-4 बचन किए जिंदा दे दिल नूं कुछ ना कुछ हौसला होया पर पति दी चिखा दे कोले खड़ के आखिरी बचन कहिंदी है स्वामी वह मैनूं छड़ के जाण वालिया संसारक सहारे सब टुट गए पति दुनियावी सूर जरूर है लेकिन मेरे वास्ते 4 चफेरे अंधेर है महाराणी महबूबा राणी जिंद कौर शेरे पंजाब दी चिखा कोले खड़ के 2 गल्लां अंतम इउं कहिंदियां तेरा तेरा रवि छुपे सिख राज दा हो गया चारे तरफ अंधेरा रवि छुपे सिख राज दा हो गया चारे तरफ अंधेरा माहिया माहिया छड प्यारे सिख राज नू पिया हो गया बतन तो राही छड प्यारे सिख राज नू पिया हो गया बतन तो राही रोले रोले
मैनू छड़ जान वाले नैणा पार के कटोरे डोले मैनू छड़ जान वाले नैणा पार के कटोरे डोले आही तेरे बिना पौरना कली छड़ के तुर गया माही तेरे बिना पौरना कली छड़ के तुर गया माही आके रानी फिर तहां मार दी प्यारे पुत नू काल जे लाके रानी फिर तहां मार दी प्यारे पुत नू काल जे लाके आकी टुट गए सहारे बाल मां कोई अपना दिसे ना बाकी टुट गए सहारे बाल मां कोई अपना दिसे ना बाकी कोई जिमते छपाल डिग पी कैसा खिलरे बावेरी होई जिमते छपाल डिग पी छपाल डिग पी कैसा खिलरे बावेरी होई राणे तख्ता तो बख्त पे देखो की कुदरत दे पाने तख्ता तो बख्त पे देखो की कुदरत दे पाने दावे बैठी होगी सती होन नू प्यारे पुत वाली जात सतावे बैठी होगी सती होन नू प्यारे पुत वाली जात सतावे रीती पुछ लै चरण सिंह नू अगे दस की हाक मां बीती पुछ लै चरण सिंह नू अगे दस की हाक मां बीती साड़ी गुरसिखी मर्यादा मुताबक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह उन्हों का भोग पाया गया अरदास कीती गई अरदास तो बाद जिहड़ी पिता मोए तो पग की रस्म है उहदा अर्थ है भी पिता वाले कम समाज के जिन्ने हन वह पुत्र नू सौंपे गए राजा रणजीत सिंह की गद्दी ते उहदा वड्डा पुत्र सरदार खड़ग सिंह बिठाया गया खड़ग सिंह ने अपना वजीर सरदार सचेत सिंह नू बना लिया सचेत सिंह गुरसिख बंदा सी ओ सिख राज दे विच बहुत वड्डी जगह रखता सी उहदा बहुत सन्मान सी सरदार खड़ग सिंह ने एक हुक्म जारी करता ओ हुक्म ए सी बई चार डोगरे शाही महलां च ना जाणगे अज तों उहदे नौ चेते रखियो सरदार ध्यान सिंह गुलाब सिंह हीरा सिंह ते सचेत सिंह डोगरा बई चारे नहीं जा सकते जदों इह हुक्म जारी होया डोगरां नूं अग लग गई गुलाब सिंह ते ध्यान सिंह दोनों जाने सोचण लग पे बई गुलाब सिंह बहुत वड्डी तहीण है आपां पंजाब दे मालक सां आपां नूं शाही महलां जाण दी मनाही होगी इह तां अपने वास्ते बहुत घटिया शब्द है हुण की कीता जाए वह इस पछतावे दे अंदर रुड़ गए अगे की होया सरदार सचेत सिंह नाल ध्यान सिंह डोगरे की मुलाकात हुई ध्यान सिंह नूं सचेत सिंह कहण लग्या कहिंदा ध्यान सिंह
देखी अज ते 8 दिनों नूं पंजाब दी कीमत कोई होर होवेगी, डोगरां दे दिल दी धड़कण होर तेज होगी। उन्हें गुलाब सिंह नूं कहा बई हुण तां कोई ना कुछ कदम चकना पएगा अगे। फिर इन्होंने कदम की चक्या, इन्होंने जाली खत बनाए, इन्होंने एक बैठ के गुप्त मीटिंग की। गुप्त मीटिंग से लैके परचे सिख फौजा भड़काउण लग पिया ध्यान सौ डोगरा लाहौर। दूजे पासे जिहड़ा गुलाब सिंह सी वह बहुत कुटल नीति का इंसान सी, वह कित्थे पहुंचा, वह पहुंचा पिशावर। खड़ग सिंह का बेटा कंवर नौ निहाल सिंह पिशावर का गवर्नर सी, उहदे कोले जा पहुंचा। जदों शाम हुई उन्हें दादे दा समकाली समझ के बहुत बड़ा सत्कार किया, उन्हें जल पानी लिया के दिता छकन वास्ते। पर गुलाब सिंह पखंडी ने जल पानी नहीं छकया, उन्हें मोटे मोटे अंसू अपनी दाढ़ी ते केरने शुरू करते, पर जवान चो ना कुछ बोलिया। उन्हें कमर नौ निहाल सिंह ने पूछा खालसा जी घबराउंदे किस गल ते हो, खालसा जी दुख दसो की गल है, रोंदे किस गल ते हो। उन्हें दो चार बार पूछण ते कहा कमर जी दसा कि दुख बाला वड्डा है, जवान छोटी है, गल बाली वड्डी है, बाहर नहीं निकल रही। कमर नौ निहाल सिंह कहिंदा दुख का इलाज तो हर एक का है ही ना, हर एक गल का हल तो है, तू दस की गल है। उन्हें फिर जाली खत कढ़े पापी ने, वो कहिंदा कमर जी सचेत सिंह की गलत नीति का सदका तेरे दादे ते तेरे पिता होरां ने राज कायम किया, सिखा ने खून डोल के सिख राज लाहौर का तख्त कायम किया, पर हुण सचेत सिंह ते खड़ग सिंह की गलत नीति का सदका सिख राज रुड़दा जांदा। मैं रुंदा तां खालसा जी किवें रुड़दा जांदा, वो कहिंदा देख सिखा नाल अंग्रेजां दा समझौता इन्हां ने लिखिया भी 10 आने राज दरबार नूं दित्ते जाणगे, 6 आने डोगरियां फौजां लैणगियां, हुण अंग्रेजां दी फौज आजू। सचेत सिंह ने सिख राज नूं गुलाम करता। मैं रोंदा तां माफ करियो गुरमुखो, जानी दे विच जोश हुंदा लेकिन होश नहीं हुंदा। कमर नौ निहाल सिंह विचार नहीं सकिया, वो कहिंदा मैं चलदा, बिल्कुल नहीं होण दित्ता जाएगा। पिशावर तो मंजला मारदा लाहौर पहुंचा, उही गुप्त मीटिंग अगे हुई। ध्यान सिंह डोगरे ने जाली खत होर विखाए, सरदार खड़ग सिंह ते सचेत सिंह दे सैन होए हुए दिखाए उपर, उन्हें जाली मोहरां लगियां विखाइयां, उहदे खून नूं अग लगी। जदों होई ना अद्धी रात, सचेत सिंह वजीर दे महिलां नूं चल पे डोगरे ते नाल कमर नौ निहाल सिंह। अगे पहरे ते इक सिपाही खड़ा, वो कहिंदा कौन, गोली का जवाब गोली नाल दिता गया, उहनूं मार दिता गया। जदों सचेत सिंह दा पहरेदार मारता, सचेत सिंह भज के महल दे थल्ले भोरा सी भोरे दे विच जा वड़िया, उत्थों फड के पंजाब दे वजीर नूं केसां तों धू के लिआंदा। ध्यान सिंह डोगरे ने फिर अपनी तलवार कढ़ी, वो कहिंदा ओ सचेत सिंह तू कहिंदा सी वी 8 दिनां नूं पंजाब दी कीमत बदल देंगे, पर मैं तैनूं 8 दिनां तों पहले ही आ मिलिया। उन्हें तलवार कढ के सरदार सचेत सिंह वजीर का सिर ध्यान सिंह डोगरे ने अपने हत्थी कतल किया। चेते रखियो पहला कतल शाही महिला च, तलवार की भेटा सीस सरदार सचेत सिंह वजीर का होया, ध्यान सिंह डोगरे ने कतल किया। इदू बाद फिर राह खुलूगा। उस तो बाद फड़ लिया कमर नौ निहाल नूं, सिंह ने जाके अपने पिता खड़ग सिंह नूं, देखो पापियां दी नीति पिता ते पुत्र दी मुलाकात नहीं होण दित्ती, उहनूं बंदीखाने बंद करता, पंजाब दे तख्त दे उत्ते कंवर नौ निहाल सिंह बिठाता। हुण डोगरां दीआं मनमर्जियां हो गईआं,
उन्होंने रस कपूर वगैरह मिला के जानी सत धातां दी इक जहर खाना खवाउण वाले अड़दली नूं पैसे दे के सरदार खड़ग सिंह नूं देती। कुछ चिर होया खड़ग सिंह रिज के बीमार होण लग्या, ओड़क नूं मर गया। जदों खड़ग सिंह दा संस्कार होण लग्या वजीरां ने एक घाड़त होर घड़ी। राह दे विच एक सी कमांडर विजय सिंह, उहनूं सिपाही दे के एक शेजे दे विच बंब फिट कराते। ध्यान सौ डोगरे ने उहनें आख्या वी जदों मुड़ूगा कमर नौ निहाल सिओ उदों उहदे उत्ते मुर्दे दे उत्ते आ बंब चला के शेजा सिट के उहनूं खत्म कर देणा। हुण खड़ग सिंह दी चिखा नूं अग्नि दे के जदों कमर नौ निहाल सिओ पिछे हटण लग्गा ना, उहनूं इक शक जिहा जापिआ। उहनें ध्यान सौ डोगरे दे भतीजे मियाँ ऊधम की बांह फड़ी, वह वापस मुड़े आया। जदों वापस मुड़े आउंदे देखे जिहड़ा वह छेजा सिट्टण वाला बंब चलाउण वाला बैठा सी, उहने ध्यान सौ डोगरे नूं कहा बई छेजा तां मैं डेग दूं बंब चला दूं, लेकिन तेरा भतीजा मियाँ ऊधम सिंह नाल मरूगा। ध्यान सिंह डोगरा दा चाहे सारा टब्बर मर जाए पर कमर नौ निहाल सिंह शाही महलां 'च मुड़ के जिउंदा नहीं जाना चाहिए। उवें कीता, बंब चलाया, जिहड़ा छेजा सी उत्ते डिग्गिया, मियाँ ऊधम सिंह थैं ते खत्म हो गया, उत्थे ही मर गया। जिहड़ा सी कमर नौ निहाल उहदे कन्न दे कोले एक रुपये जिन्नी क सट लगी, लेकिन उहदे 'च लहू ना सिमिया ते ना ही बाहर निकलिया। ध्यान सिंह डोगरा मुकम्मल तैयारी च बैठा सी, उहदी पालकी तैयार करके रखी सी, यूपी दे 40 भइए सिपाही लिया के रखे हुए सी पहरा लाउण नूं। उहने कमर नूं पालकी च पाया, अंदर लै गया, बाहरों बूहा बंद करता, गेट ते भइयां दी फौज पहरे ते कढवाती वी कोई अंदर ना चला जावे। जदों थोड़ा जिहा समां आया कमर जी नूं होश आई, कमर जी कहिंदे बूहा खोल दिओ, मैनूं बाहरली हवा आ जाण दिओ, ओह मेरी माता ते मेरी पत्नी बाहर पिटदियां ने, उहनां ने मैनूं मिला दिओ, जरा कु पाणी पिया दिओ। ताड़ी मार के हस्सिया जलाद ध्यान सिंह डोगरा। ओह कहिंदा कमर जी तुसीं मां नूं मिल के की लैणा, मैं थोनूं पिता कोल ही पहुँचा दिंदा, पाणी पी के की लैणा, मैं थोनूं शरबत पिला दिंदा। जदों ने देखिया भी ये तो नीति खराब हो गई, ये तो मैनू मारन की सालस घट रहा है, कमर नौ निहाल सिओ। वह कहिंदा वास्ते ओ रब दे ध्यान सिया, वो भरावा जे राज पिछे मैनू मार दिया लिया, मैं तेनू लिख दिया हुक्मनामा, मैं पंजाब का राज तेनू सौंपया। हुण ध्यान सिओ डोगरे नू कमर नौ निहाल सिओ शेरे पंजाब का पोतरा आखिरी बेनती भला भी है क्यों कर। ओ डिगे नौ निहाल नौ कमरे बिच ले गए, दसिया जिवें वजीर दा कत करे बह गए। ओ नेड़े सब नू आउण तो ओ दूर हटाउंदे, लै लो राज पंजाब दा क्यों मार मकाउंदे। ओ जाके मेरी मां नू ए बाज सुना दिओ, मैनू ठंडे नीर दी इक घुट पिला दो। कहो कमर जी ठीक है का तो कबराउंदे, हो ले लो राज पंजाब दा क्यों मार मकाउंदे। रोंदी मेरी पत्नी ओनू बाज सुना दो, बूहा अंदरों खोल के मैनू लड़ मिला दो। ये की लोड़ा पै गया क्यों नहीं बुलाउंदे, ले लो राज पंजाब दा क्यों मार मकाउंदे। हसदा पापी डोगरा हथ ते हथ मारे, फड़ कुमर नू इधरों खपकारे। टोटे करने इस दे ए हुक्म चलाउंदे, हो ले लो राज पंजाब दा क्यों मार मकाउंदे।
ਭੁੱਲ ਖੜਾਈ ਅਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਥਰ ਧੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਗੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ ਮਕਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣਾ ਮਨੋ ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਤਾ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਲੈ ਲੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਓ ਕਰੇ ਪੰਖੇਰੂ ਜੰਗਲੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਰਾਣੇ ਹੋ ਰੋਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਕਈ ਫੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਕਰਦਾ ਪਰੀ ਬਰਾਗ ਵੀ ਇਹ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਰੋਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨੈਣਾ ਚੋ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਜਲੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਕਮ ਸੌਂ ਗਾਉਂਦੇ ਲੈ ਲੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ